बाद श्लोक और आकांक्षा अपनी लिमिट क्रॉस कर चुके थे और वो जगह उनके प्यार के एहसासों से भर चुकी थी। इस समय श्लोक आकांक्षा को लेकर उस बड़े से बाथटब में लेटा हुआ था जिसमें गर्म पानी भरा हुआ था। आकांक्षा का सिर श्लोक के कंधे पर था। श्लोक ने अपने एक हाथ से आकांक्षा को बाहों में भर रखा था और वो अपने दूसरे हाथ से आकांक्षा के हाथ को पकड़कर सहला रहा था। आकांक्षा अब तक थक चुकी थी और उसे दोबारा नींद भी आ रही थी। आकांक्षा सोने ही वाली थी कि तभी उसे अपने कानों में श्लोक की गहरी आवाज सुनाई दी। श्लोक ने कहा, आकांक्षा। अपना नाम श्लोक के होठों से सुनकर आकांक्षा की सारी नींद उड़ गई और वो अपना सिर उठाकर श्लोक को देखने लगी। उसके डॉक्टर साहब या तो उसे चूहिया कहते थे या वाइफी, या फिर बिना किसी नाम के उसे अपने शब्दों से अट्रैक्ट कर लेते थे, लेकिन जब भी वो आकांक्षा को उसके नाम से पुकारते थे बात कुछ गंभीर होती थी। श्लोक ने सिर झुकाया और आकांक्षा के माथे पर किस करते हुए कहा, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आई जहां तुम्हें अपनों को बचाने के लिए फाइट करना पड़े तो क्या तुम वो करोगी? श्लोक जानता था आकांक्षा को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं था और उसे किसी को मरते देखना तो बिल्कुल पसंद नहीं था। आकांक्षा का दिल बहुत ज्यादा मासूम और नरम था जो लोगों का दर्द नहीं देख पाता था, और इसीलिए श्लोक उसे बताना चाहता था कि आने वाली सिचुएशंस में उसे ऐसा कुछ करना होगा जिसमें आकांक्षा के हाथ खून से रंग सकते थे। श्लोक की बात सुनकर आकांक्षा का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, डॉक्टर साहब, क्या ऐसा कुछ है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? हम जब से यहाँ आए हैं हमारी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है। जब भी महल में से कोई बाहर जाता है उसके साथ दो सिक्योरिटी गार्ड्स को भेजा जाता है, और मैं जब भी जाती हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। क्या आप मुझे सच्चाई बताने वाले हैं? श्लोक ने एक लंबी सांस ली। वो आकांक्षा को सच नहीं बता सकता था, लेकिन वो आकांक्षा से झूठ भी नहीं कह सकता था। श्लोक ने कहा, इस समय मैं सिर्फ तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा खतरा हमारा पीछा कर रहा है जिससे हमें सबको बचाना है, और इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। ये कहते हुए श्लोक ने आकांक्षा का चेहरा अपने हाथों में भरा और कहा, तुम मेरा साथ दोगी ना? आकांक्षा ने बिना किसी झिझक के हाँ में सिर हिला दिया। उसे नहीं पता था कि उनकी तरफ कौन सा खतरा आ रहा है, लेकिन वो खतरा जो भी हो इस बार आकांक्षा श्लोक का साथ नहीं छोड़ेगी। ये सोचते हुए आकांक्षा श्लोक के गले लग गई। उसने कहा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। श्लोक ने भी आकांक्षा को गले लगाया और कहा, चलो उठ जाओ, अब सोने का समय नहीं है, अभी रात नहीं सुबह हो रही है। ये सुनकर आकांक्षा ने घूर कर श्लोक को देखा। वो इंसान ऐसी बातें कैसे कह सकता था जबकि वो खुद आकांक्षा को वॉशरूम में लेकर आया था और अपनी एक्टिविटी से थका चुका था। श्लोक ने आकांक्षा की उन नजरों को खुद पर महसूस किया और कहा, तुम मुझे ऐसे मत घूरो वरना तुम इस वॉशरूम से नहीं आ जा पाओगी। आकांक्षा जल्दी से बाथटब से बाहर आकर एक बाथरोब पहना। आकांक्षा ने घूर कर श्लोक को देखा और फिर वहां से चली गई। श्लोक ने एक लंबी सांस ली। अब उसे सार्थक को एक बहुत बड़ी सच्चाई बताने जाना था, इसीलिए श्लोक भी जल्दी से तैयार होने चला गया। लिविंग रूम में अक्षय, ट्विंकल और सुकृति इस समय लिविंग रूम के सोफे पर बैठे थे और अपने सामने बैठे कुणाल को देख रहे थे जिसका हाथ उसके सिर पर था। अक्षय ने मुंह बनाते हुए कहा, अंकल आप तो सुबह से तैयारियों में लगे थे तो अचानक से आपको क्या हो गया? कुणाल ने अपना सिर उठाया और कहा, आज सगाई है पर हमने रिंग्स तो ली ही नहीं है, बिना रिंग्स के सगाई कैसे होगी, और जिनकी सगाई है उनको तो खुद इस बात का होश नहीं है। कीर्ति, जो इस समय अपनी ड्रेस से मैचिंग इयररिंग्स लेकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी, उसने कुणाल की बात सुनी और वो कुणाल के सामने खड़ी हो गई। कीर्ति ने चिढ़ते हुए कहा, तुमने अभी तक रिंग्स नहीं मंगवाई, पता नहीं भाई ने तुमसे दोस्ती ही क्यों की, अब हमारी सगाई कैसे होगी? क्या तुम नहीं चाहते कि हमारी शादी हो? कीर्ति काफी गुस्से में थी।
कुनाल ने कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि वहां पर वेदिक आ गई। उसने कीर्ति के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें क्या हो गया? कीर्ति ने कुनाल की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए कहा, इससे पूछो, क्या तुम जानती हो इस कुनाल ने अभी तक एंगेजमेंट रिंग्स नहीं मंगवाई है? ये सुनकर वेदिका भी गुस्सा हो गई। उसने अपने एक हाथ से कुनाल के शर्ट का कॉलर खींचा और कहा, क्या तुम इतनी सी बात का भी ध्यान नहीं रख सकते? तुम किस तरह के इंसान हो? मैंने सुना था कि तुम सुबह से तैयारियों में लगे हो, लेकिन तुमने सगाई की अंगूठी ही नहीं मंगवाई। मैं कह रही हूँ कुनाल, अगर तुमने एक घंटे के अंदर यहाँ पर हमारी सगाई की अंगूठियाँ नहीं मंगवाई तो मैं अंगूठी के साइज के फंदे से तुम्हें फांसी लगा दूंगी। ये कहते हुए वेदिका कुनाल को घूर रही थी। महल में मौजूद गार्ड्स हैरान होकर कुनाल को देख रहे थे। उनके छोटे मालिक को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उनसे तेज आवाज में बात करे, लेकिन इस समय दो लड़कियां उनसे बदतमीजी कर रही थी। फिर भी वो कुछ नहीं कह रहे थे, बल्कि जब वो गार्ड्स आगे बढ़ने वाले थे तो कुनाल ने अपने एक हाथ से उन्हें रोकने का इशारा कर दिया था। आकांक्षा अपनी साड़ी ठीक करते हुए नीचे आ रही थी और उसने उस नजारे को देख लिया था। आकांक्षा जल्दी से वहां आई और उसने वेदिका के हाथ से कुनाल की शर्ट का कॉलर छुड़ाते हुए कहा, छोड़ो उसे, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम भूल गई हो, कुनाल यहाँ का प्रिंस है। अगर तुम्हारी जगह अगर किसी और ने ये हरकत की होती तो उस बेचारे की अब तक यहाँ तो गर्दन कट गई होती या फिर हाथ। इस बात को सुनते हुए वेदिका ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी नजर थोड़ी दूर खड़े गार्ड पर गई जिनके हाथों में तलवार थी और उस पर उनकी पकड़ काफी मजबूत थी। ये देखकर वेदिका थोड़ा सा घबरा गई। कुनाल ने उम्मीद भरी नजरों से आकांक्षा की तरफ देखा। वेदिका ने जल्दी से आकांक्षा को अपनी तरफ खींचा और कहा, दी, क्या आपको पता है अभी तक हमारी एंगेजमेंट रिंग्स नहीं आई है? आकांक्षा ने एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा, रिंग्स वो तो मैंने पहले ही मंगवा ली है और वो आने भी वाली होगी। आकांक्षा ने ये कहा ही था कि एक गार्ड वहां पर आया और उसने वो पार्सल कुनाल को दे दिया। कुनाल ने वो बॉक्स हाथ में लिया और एक चैन की सांस ली। कुनाल ने वो बड़ा सा गोल्डन कलर का बॉक्स खोल कर देखा जिसमें कई सारे छोटे छोटे बॉक्सेस रखे थे। उन बॉक्सेस के ऊपर का ढक्कन ट्रांसपेरेंट था जिससे रिंग्स के सेट को देखा जा सकता था। उसने कहा, सगाई तो सिर्फ तुम तीनों लोगों की है तो तुमने इतनी सारी कपल रिंग्स क्यों मंगवाई है? आकांक्षा ने लापरवाही से जवाब दिया, अगर किसी को एक सेट पसंद नहीं आया तो वो दूसरा चुन सकता है, ये सभी रिंग्स मैंने डिजाइन की है। ये कहकर उसने वो बॉक्स कुनाल के हाथों से छीन लिया। कुनाल को इसमें कुछ गड़बड़ लग रही थी लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इधर बाहर आरती महल से एक कार लेकर उस जगह के लिए निकल गई थी जहां उसे जाना था। जब वो कार से उतरी तो उसने सामने देखा, सामने एक पुराना खंडर जैसा महल था जहां काफी सारे लोग मौजूद थे। आरती ने जो पहले आसमानी कलर का चूड़ीदार सूट पहना था, अब उसकी जगह उसने एक फंकी जीन्स और शर्ट पहनी हुई थी। उसकी आंखों पर चश्मा था और उसके चेहरे पर एक मास्क लगा था। उसके लंबे बाल जो एक सुंदर चोटी में गुथे हुए थे इस समय एक मैसी बन में बंधे थे। आरती ने उस लॉन्ग शर्ट में एक घाट बांधा था जिससे उसकी फ्लैट टमी दिख रही थी। इस समय वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। वहां मौजूद लोगों ने जैसे ही उसे देखा वो सब आरती के पास आ गए और उसे गुड आफ्टरनून विश करने लगे। ये देखकर पता चल रहा था कि आरती की वहां कितनी ज्यादा इज्जत है। आरती बिना किसी भाव के हाँ में सिर हिलाते हुए आगे की तरफ जा रही थी और किसी ने भी उसके रास्ते में आने की हिम्मत नहीं की थी। एक आदमी जिसने नीले रंग की टोपी के साथ ब्लू शर्ट और जीन्स पहनी थी वो जल्दी से आरती के सामने आया और उसने कहा, डायरेक्टर सौम्या, आप आ गई? हमने यहाँ अपना सारा सेट लगा दिया है और शूटिंग शुरू हो चुकी है। आरती ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद कुछ लोगों ने आरती के हाथों में कागजों का ढेर थमा दिया। आरती ने वो सारे कागज साइड में रखे और एक कुर्सी पर बैठ गई जिसके ऊपर छाता लगा हुआ था।
उसने कुछ फाइल उठाई और उन्हें पढ़ने लगी। आरती ने अपनी कठोर आवाज में कहा, क्या कास्ट रेडी हो गई है? आरती की आवाज इतनी ठंडी थी कि वहां मौजूद हर एक इंसान अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपन महसूस कर सकता था। सबने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। आरती ने अपना सिर उठाकर कहा, ठीक है, शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद वहां शूटिंग शुरू हो गई थी। आरती चेयर पर बैठी उन लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी और हर गलत सीन पर उन लोगों को डांट रही थी और रीटेक करवा रही थी। 2 घंटे बाद काफी सारे सीन शूट हो गए थे। बहुत कम डायरेक्टर ऐसे होते थे जो इतने कम समय में इतने सीन को कवर कर सके। डायरेक्टर सौम्या के बारे में सब जानते थे कि वो अपनी फिल्म को बहुत जल्दी और शार्प तरीके से खत्म करती थी। उससे अपनी फिल्म डायरेक्ट करवाना बहुत बड़ी बात होती थी। आरती ने सामने देखा, एक्टर अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे और आगे के सीन के लिए तैयार हो रहे थे। आरती ने कहा, क्या राइटर आ गई है? मुझे उससे एक बार मिलना है। आरती को ये कहानी बहुत पसंद आई थी, लेकिन वो अभी तक फिल्म की स्क्रिप्ट राइटर से नहीं मिल पाई थी। उसने उससे कॉल पर ही बात की थी और उस राइटर ने कहा था कि वो शूटिंग शुरू होने पर उससे मिलेगी। उस राइटर की आवाज ऐसी थी जिससे ये पहचानना मुश्किल था कि वो लड़का है या लड़की। इसीलिए आरती उस इंसान से मिलने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस थी। आरती के साइड में खड़े असिस्टेंट ने अपने टैबलेट में कुछ चेक करते हुए कहा, थोड़ी देर में वो यहाँ आ जाएंगे। उस असिस्टेंट ने ये कहा ही था कि एक कार वहां आकर रुकी। आरती ने मुड़कर कार की तरफ देखा। असिस्टेंट ने कहा, मुझे लगता है वो लोग आ गए। उस कार से एक आदमी बाहर आया जिसने 3-पीस ब्लैक सूट पहना था और फिर एक लड़की बाहर आई। उसने भी ब्लैक शर्ट और व्हाइट जीन्स पहनी थी। उसके सारे बाल खुले थे और उस आदमी की तरह उसका चेहरा भी बहुत ज्यादा सख्त था। ऐसा लग रहा था वो दोनों एक दूसरे के पार्टनर थे। आरती जल्दी से उनके सामने खड़ी हुई और उसने आगे बढ़ते हुए कहा, हाय, आई एम डायरेक्टर सौम्या, आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर। इसके आगे आरती कुछ कह नहीं पाई क्योंकि वो उस इंसान का नाम नहीं जानती थी। उस आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आरती से हाथ मिलाते हुए कहा, लक्ष्य सिंघानिया। ये कहकर लक्ष्य ने अपने साथ खड़ी लड़की को आगे खींचा और कहा, ये मेरी वाइफ प्रिया सिंघानिया, इन्होंने ही आपकी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है। प्रिया मुस्कुराई और उसने सौम्या से हाथ मिलाते हुए कहा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं चाहती थी कि एक दिन आप मेरी लिखी हुई कहानी पर फिल्म बनाए और देखिए, मेरा ड्रीम सच हो रहा है। आरती ने हैरान होकर उस लड़की की तरफ देखा जिसकी उम्र ज्यादा नहीं लग रही थी। उस लड़की की स्किन फेयर थी और उसके फेशियल फीचर्स बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थे। साथ ही उसके साथ मौजूद आदमी भी बहुत हैंडसम दिख रहा था। आरती ने कहा, क्या सच में वो कहानी आपने लिखी है? ये कहते हुए आरती को याद आया कि प्रिया सिंघानिया नाम की एक ऑथर की लिखी कई सारी कहानियों पर फिल्म बन चुकी है। यहाँ तक कि उसकी लिखी 2 नॉवल काफी ज्यादा हिट रही थी। उसकी नॉवेल्स आउट ऑफ इंडिया रिलीज हुई थी, इसीलिए वो सबसे ज्यादा विदेश में फेमस थी और इंडिया में उसे ज्यादा लोग नहीं जानते थे। आरती ने कहा, लेकिन आप तो... आरती की बात पूरी होने से पहले ही प्रिया ने कहा, हम लंदन में रहते हैं, लेकिन इस फिल्म के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। ये कहते हुए प्रिया ने लक्ष्य की तरफ देखा। वो जानती थी कि लक्ष्य 6 साल पहले इंडिया छोड़ चुका था और उसे यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन सिर्फ प्रिया के लिए लक्ष्य दोबारा यहाँ आने को मान गया था। क्या आकांक्षा श्लोक का साथ दे पाएगी? क्या आकांक्षा को सच्चाई पता चलेगी? क्या आरती की असली पहचान कभी सबके सामने आएगी? और क्या प्रिया और लक्ष्य का अचानक इंडिया आना एक इत्तेफाक है? लक्ष्य ने प्रिया की आंखों में आए भावों को पढ़ लिया। प्रिया का हाथ अपने हाथ में लेते हुए लक्ष्य ने कहा, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। ये कहकर लक्ष्य ने प्रिया को वहीं छोड़ दिया और वहां से चला गया। प्रिया आरती के साथ मिलकर फिल्म के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने लगी।
उनकी फिल्म की शूटिंग अभी शुरू हुई थी और उसे खत्म होने में लगभग 6 महीने लगने वाले थे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन था। इधर महल में श्लोक सार्थक और प्रशांत साथ में बैठे थे। प्रशांत और श्लोक गंभीर होकर सार्थक को देख रहे थे और उनकी नजरों को खुद पर महसूस करते हुए सार्थक थोड़ा घबरा रहा था। उसने कहा, भाई आपको क्या बात करनी है? उसका भाई उससे कब से बिजनेस रिलेटेड बातें कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर पहले उसने कहा था कि वो उससे कुछ कहना चाहता है, और इतना कहकर श्लोक कब से चुप बैठा था। श्लोक ने गहरी सांस ली और कहा, क्या तुम जानते हो तुम्हारे पापा कहाँ हैं? ये सुनकर सार्थक चुप हो गया और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। पिछले 6 सालों से उसके पापा कहीं गायब हो चुके थे। उन लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई थी, लेकिन उन्हें आज तक उनके बारे में कुछ नहीं पता चला था। सार्थक ने कहा, भाई आपने अचानक पापा के बारे में क्यों पूछा? श्लोक ने प्रशांत की तरफ देखा और फिर वापस सार्थक को देखकर कहा, क्या तुम जानते हो चाचा जी क्या करते थे? ये सुनकर सार्थक ने अपना सिर उठाया। श्लोक ने उसे डार्क वर्ल्ड से लेकर अपने पापा की डेथ तक सब कुछ सार्थक को बता दिया। श्लोक ने सार्थक को ये भी बताया कि किस तरह उन्होंने यूथ इवेंट में ह्यूमन बॉम्ब प्लांट करवाए थे, जिससे वहां मौजूद सारे लोग मर सकते थे। और साथ ही श्लोक ने ये भी बताया कि इस समय उसके पापा उन सब पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। श्लोक की सारी बातों को सुनकर सार्थक का दिल टूटते जा रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पापा ऐसा कुछ कर सकते हैं। सार्थक ने खड़े होते हुए कहा, भाई आप ये क्या कह रहे हैं? श्लोक ने कहा, मेरी बात मानो सार्थक, ये सब सच है, और इससे बड़ा सच ये है कि हमें सबको बचाना है। ये कहकर श्लोक खड़ा हुआ और उसने सार्थक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सार्थक तुम्हें इसमें हमारा साथ देना होगा। हम नहीं जानते कि चाचा जी किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। वो यहाँ आने वाले हैं और चाचा जी किसी पर भी हमला कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए यहाँ मौजूद हर एक इंसान की जान कीमती है। चाचा जी अब तक 3 बार हम पर हमला करवा चुके हैं, लेकिन कुणाल के पिता और उनके गार्ड्स ने अभी तक सबको बचा कर रखा है। ये सुनकर सार्थक हैरान हो गया। सार्थक ने कहा, क्या इसीलिए आपने सबको जयपुर में बुलाया था? श्लोक ने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ जरूरी बातों पर डिस्कशन करने के बाद वो सब लोग अपने अपने कमरों की तरफ चले गए। श्लोक जब अपने कमरे में पहुंचा तो वहां आकांक्षा मौजूद नहीं थी, लेकिन वहां पर अक्ष बैठा हुआ था। उसने ब्लैक स्वेटर और पजामा पहना था और वो आकांक्षा के लैपटॉप में कुछ कर रहा था। उसका फेस इस समय काफी ज्यादा सीरियस था और उसे ऐसे देखकर श्लोक का फेस भी सीरियस हो गया था। श्लोक बिना कुछ कहे तेज कदमों से उसके पास जाकर खड़ा हो गया। श्लोक ने देखा, लैपटॉप स्क्रीन पर कुछ नंबर दिख रहे थे जो ऊपर की तरफ जाते जा रहे थे, जो श्लोक को समझ नहीं आ रहे थे। उसे ज्यादा हैकिंग नहीं आती थी, लेकिन उसे इतना तो समझ आ गया था कि उसका बेटा कोई नॉर्मल काम नहीं कर रहा है। थोड़ी देर बाद सारी इंफॉर्मेशन डिलीट होने लगी। सारी इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाने के बाद अक्ष ने लैपटॉप से वो सब हटा दिया जो वो कर रहा था। श्लोक ने देखा वहां एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की डिटेल और कुछ मैसेज भी थे, जैसे उसने कल देखे थे। पहले श्लोक ने सोचा था कि शायद वो सब कुछ आकांक्षा ही कर रही है, लेकिन ये देखकर कि ये सब उसके बेटे का काम था, वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। अक्ष ने लैपटॉप बंद करके अपना सिर उठाया और अपने सामने अपने पिता को खड़ा देख एक पल के लिए अक्ष की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन उसने जल्द ही खुद को शांत भी कर लिया। श्लोक आंखें छोटी करके अपने बेटे को देख रहा था, जिसके चेहरे पर किसी तरह का डर या घबराहट नहीं दिख रही थी। श्लोक अक्ष के सामने बैठ गया। उसने उस लैपटॉप को साइड किया और कहा, मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए। अक्ष ने भी अपने हाथ फोल्ड किए और कहा, सही कहा, हमें एक बार बात कर ही लेनी चाहिए। एक लंबी सांस लेते हुए श्लोक ने सीधा मुद्दे की बात पर आते हुए कहा, तुम हार्ट ऑफ द ओशन के बारे में क्या जानते हो?
उस डायमंड का नाम सुनते ही अक्षय के चेहरे के भाव बदल गए और उसने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, ये क्या चीज है? मुझे ऐसी किसी भी चीज के बारे में नहीं पता है। श्लोक ने अक्षय को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अक्षय मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम उस डायमंड के बारे में क्या जानते हो? इस बार श्लोक की आवाज थोड़ी गुस्से से भरी थी और उसे इतना गुस्से में देखकर एक पल के लिए अक्षय भी डर गया था। अक्षय ने कहा, भले ही मैं उसके बारे में कुछ भी जानता हूँ, लेकिन आप बताइए, आप उससे रिलेटेड कैसे हैं? और मुझे किडनैप करने वाले इंसान की आपसे क्या दुश्मनी थी? उसने भी यही कहा था कि वो डायमंड मेरे पास है जो उसे आपसे चाहिए था। श्लोक ने अक्षय की इस बात का जवाब नहीं दिया और उससे अगला सवाल किया। श्लोक ने कहा, क्या तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो? या तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो जो तुम्हें इस उम्र में नहीं करना चाहिए? अक्षय को समझ नहीं आ रहा था कि वो श्लोक की बातों का क्या जवाब दे। भले ही वो एक हैकिंग ऑर्गेनाइजेशन चलाता था, लेकिन उसमें ज्यादा लोग शामिल नहीं थे और जितने भी लोग उसमें शामिल थे वो सब एक साथ काम करते थे। वो लोग कोई बुरा काम नहीं करते थे, इसके बजाय वो मिलिट्री और पुलिस की मदद करते थे। अक्षय को समझ नहीं आ रहा था कि वो श्लोक की बातों का क्या जवाब दे। श्लोक अपने हाथ फोल्ड करके उसे ही देख रहा था और उसके जवाब का इंतजार कर रहा था कि तभी आकांक्षा, जो वॉशरूम में गई थी, उसने बाहर आते हुए कहा, आप दोनों इस तरह बैठकर क्या कर रही हैं? क्या आप दोनों को तैयार नहीं होना है? जैसे ही अक्षय और श्लोक ने आकांक्षा को देखा, उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। आकांक्षा ने इस समय एक लाइट पिंक कलर का लहंगा पहना था जिसके साइड में व्हाइट कलर का दुपट्टा था। आकांक्षा के कंधे तक आते बाल खुले थे और इस वक्त उसने कोई मेकअप नहीं किया था, फिर भी उसके गुलाबी गाल और ब्यूटीफुल आईज उसे बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखा रही थी। आकांक्षा जल्दी से ड्रेसिंग मिरर के पास गई और ज्वेलरी पहनने लगी। अक्ष और श्लोक अभी तक अपने होश में नहीं आए थे। आकांक्षा ने मुड़कर दोबारा उन दोनों की तरफ देखा और उन्हें इस तरह चुप देखकर उसने अपने हाथ में पकड़ी कंघी को उनकी तरफ फेंकते हुए कहा, आप दोनों इतने ज्यादा शॉक क्यों हैं? ये सुनकर वो दोनों होश में आए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अक्षय जल्दी से आकांक्षा के पास गया और उसने आकांक्षा का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, मम्मी आप बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही हैं। आकांक्षा ने मुस्कुराते हुए अक्षय के माथे पर किस किया और कहा, चलो मेरे बेटे ने मेरी तारीफ तो की। अक्षय ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, मम्मी आज मैं पूरा टाइम आपके साथ रहूंगा, क्योंकि आज आप इतनी ज्यादा खूबसूरत दिख रही हैं कि सारे लड़के आपके साथ फ्लर्ट करने लगेंगे और मैं नहीं चाहता कि कोई आपको परेशान करे। श्लोक आंखें बड़ी बड़ी करके अक्षय को देख रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी अक्षय ऐसी बातें कहेगा। अब श्लोक को अक्षय से थोड़ी जलन हो रही थी। श्लोक भी उठकर खड़ा हुआ और उसने कहा, आकांक्षा तुम सच में बहुत अच्छी दिख रही हो। आकांक्षा ने मुंह बनाते हुए कहा, आपको तो ठीक से तारीफ करना भी नहीं आता है, मेरे बेटे से कुछ सीखिए। ये कहते हुए आकांक्षा ने अक्षय को गले लगा लिया। श्लोक ने आंखें सिकुड़कर आकांक्षा को देखा और मन में कहा, अक्षय को यहाँ से जाने दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ तारीफ करना किसे कहते हैं। आकांक्षा जैसे श्लोक के मन की बात समझ रही हो, उसने अक्षय को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अक्षय आज तुम पूरा टाइम मेरे साथ ही रहना, चलो मैं तैयार होती हूँ, तब तक तुम यहाँ बैठ जाओ। जब श्लोक ने देखा कि आकांक्षा ने अक्षय को वहीं रुकने को कह दिया था तो उसका गुस्सा बढ़ने लगा। श्लोक ने अपने पैर जमीन पर पटके और आकांक्षा को घूरते हुए वहां से चला गया। अक्षय दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसने एक लंबी और गहरी सांस ली। अक्षय की मम्मी ने अभी अभी उसे बचा लिया था, वरना आज उसके पापा के सामने उसकी असलियत आ ही जाती। शाम के समय महल में आज बहुत ज्यादा चहल पहल थी और वहां लगी लाइटनिंग से वो जगह चमक रही थी। गेस्ट भी आ चुके थे और वो वहां होने वाली एंगेजमेंट पार्टी के बारे में बातें कर रहे थे। उनमें से कई जयपुर के अमीर लोग थे जो कि प्रभात जी के दोस्त और रिश्तेदार थे, और वो लोग इस बारे में बातें कर रहे थे
कि आखिर अचानक से प्रभात जी ने अपने परिवार में किसकी सगाई करने की तैयारी कर ली थी। ज्यादातर लोगों ने ये सोचा था कि वो कुणाल की सगाई किसी से करने वाले थे और वो ये जानने के लिए बहुत क्यूरियस थे कि आखिर कुणाल की मंगेतर कौन थी। थोड़ी देर बाद प्रभात जी और उनके भाई मोहन जी वहां आ गए और वहां आए गेस्ट से बातें करने लगे। प्रभात जी ने किसी को नहीं बताया कि आखिर वहां किसकी सगाई होने वाली थी, लेकिन हर कोई उनसे यही पूछ रहा था कि उन्होंने कुणाल के लिए किस लड़की को चुना है। और ये बात सुनकर प्रभात जी बार बार मुस्कुरा रहे थे और सबसे एक ही बात कह रहे थे कि आपको कुछ समय बाद पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद कुणाल सीढ़ियों से नीचे आ रहा था और सबकी नजरें उस पर टिक गई थी। वो लोग कुणाल के साथ चल रही खूबसूरत लड़की को देख रहे थे जो थोड़ी डरी हुई थी। विद्या ने धीरे से कहा, कुणाल आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मुझे जाने दीजिए, देखिए सब मुझे कैसे देख रहे हैं। कुणाल ने मुस्कुराते हुए आगे देखा और कहा, सब तुम्हें इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि तुम आज बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही हो। अगर आज यहाँ पार्टी नहीं होती तो मैं तुम्हें कहीं रोमांटिक डेट पर ले जाता। वैसे इन कुछ सालों में तुमने खुद को और ज्यादा हॉट और ग्रेसफुल बना लिया है। विद्या ने कोई जवाब नहीं दिया। कुणाल थोड़ी देर पहले ही उसके कमरे में आया था और जबरदस्ती उसे अपने साथ खींचकर बाहर ले जाने लगा था। उस समय विद्या तैयार नहीं हुई थी और कुणाल ने उसे अपने हाथों से तैयार किया था। विद्या कुणाल के उस प्यारे व्यवहार से खुश थी और आखिर में उसे कुणाल के साथ आना पड़ा था। प्रभात जी इस समय एक गेस्ट से बातें कर रहे थे। उस गेस्ट ने थोड़ा हंसते हुए कहा, लगता है हमारा इंतजार खत्म हो गया है। प्रभात जी ने उसकी नजरों का पीछा किया और सीढ़ियों की तरफ देखा। विद्या और कुणाल को एक साथ देखकर एक पल के लिए प्रभात जी की आंखों में चमक आ गई, जो कि जल्द ही गायब भी हो गई। उन्होंने अपना चेहरा सख्त करते हुए कहा, आपका मतलब क्या है मिस्टर वर्मा? मिस्टर वर्मा ने ग्लास से जूस पीते हुए कहा, यही कि आपके बेटे ने एक बहुत सुंदर पार्टनर ढूंढी है। वैसे ये लड़की कौन से परिवार से है? देखने में तो काफी बड़े खानदान की दिखती है, पर हमने आज तक इसे नहीं देखा। इसका नाम क्या है? शायद हम इसके परिवार को जानते हो? अमीर परिवार में एक बुराई हमेशा रहती थी कि वो अपनी बराबरी के लोगों से रिश्ता करना पसंद करते थे और उनसे कम हैसियत वाले लोगों को छोटा समझते थे। और वहां मौजूद ज्यादातर लोग इस समय विद्या को किसी अमीर खानदान की लड़की समझ रहे थे जिसे कुणाल पसंद करके लाया था। प्रभात जी ने बिना किसी भाव के कहा, वो मेरे बेटे की मंगेतर नहीं है, वो हमारे यहाँ आए मेहमानों में से एक है और वो किसी बड़े परिवार की भी बेटी नहीं है। आप उसके बारे में गलत सोच रहे हैं। क्या सार्थक श्लोक का साथ देगा या श्लोक अक्ष की सच्चाई पता लगा पाएगा? और क्या कुणाल सबके सामने अपने और विद्या के रिश्ते को कबूल कर लेगा? प्रभात जी की बात सुनकर वर्मा जी का मुंह बन गया और उन्होंने कहा, तो फिर आपका बेटा उस लड़की से इतना हंस के बातें क्यों कर रहा है और वो उसे अपने साथ नीचे क्यों ला रहा है? मेरी बात मानिए, कुणाल को उस लड़की से दूर रखिए। ऐसी लड़कियां अमीर लड़कों को अपने जाल में फंसा लेती हैं। प्रभात जी के कहे कुछ शब्दों से ही उस आदमी की आवाज और विद्या के लिए उसका नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आवाज थोड़ी तेज थी जिससे वहां मौजूद बाकी लोगों को भी पता चल गया था कि विद्या कुणाल की मंगेतर नहीं है, और अब वो सब विद्या को एक जालसाज लड़की की तरह देख रहे थे जो कुणाल को फंसाने की कोशिश कर रही थी। विद्या महसूस कर सकती थी कि थोड़ी देर पहले जो लोग उसे हैरानी से देख रहे थे, अचानक उनकी नजरों में उसके लिए नफरत दिखने लगी थी। और ये देखते हुए विद्या ने अपने कदमों को कुछ सीढ़ियों पर ही रोक लिया था। जब कुणाल ने देखा कि विद्या उसके साथ नहीं आ रही है, तो वो विद्या के पास वापस गया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ नीचे ले जाने लगा। कुणाल के इस एक्शन से वहां मौजूद सारे लोग हैरान हो गए थे और उसके बारे में बातें करने लगे थे। जब कुणाल अपने पिता के पास पहुंचा,
तो उसने पाया कि वो उसे घूर रहे थे। प्रभात जी ने मुस्कुराते हुए विद्या को देखकर कहा, बेटा क्या तुम बाकी लोगों को बुलाकर ला सकती हो, क्योंकि मुहूर्त निकलने वाला है, मुझे कुणाल से कुछ बात करनी है। विद्या ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और मुड़कर वहां से चली गई। प्रभात जी ने कुणाल का हाथ पकड़ते हुए कहा, कुणाल ये सब क्या चल रहा है, तुम और वो लड़की? इससे पहले कि प्रभात जी अपनी बात पूरी कर पाते, कुणाल ने कहा, मैं उससे प्यार करता हूँ, और अभी से नहीं, मैं उससे कई सालों से प्यार करता हूँ। कुणाल की इस बात को सुनकर प्रभात जी की हाथों की पकड़ कुणाल के हाथ पर ढीली हो गई और वो आंखें बड़ी करके उसे देखने लगे। उन्होंने कहा, लेकिन वो एक अनाथ है। कुणाल ने एक कड़वाहट भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या वो इंसान नहीं है? वो एक साफ दिल की इंसान है और वो इतनी काबिल है कि वो आज खुद से खड़े होने की औकात रखती है, क्या उसका मेरी पत्नी बनने के लिए इतना काफी नहीं है? पापा मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, ना ही आपको ये कहूंगा कि आप मेरे और विद्या के रिश्ते को एक्सेप्ट करें, लेकिन मैं आपको एक बात अभी भी बता देना चाहता हूँ, वो मेरा पहला और आखिरी प्यार है और मैं उसके अलावा कभी किसी से शादी नहीं करूंगा, ना ही मैं उसके खिलाफ कुछ गलत सुनूंगा। ये कहते हुए कुणाल की नजरें पीछे खड़े वर्मा जी पर थी, जो पार्टी में मौजूद बाकी लोगों के साथ विद्या के बारे में गलत बातें कर रहे थे। प्रभात जी ने गहरी सांस ली और कहा, हम इस बारे में पार्टी के बाद बात करेंगे, तब तक कोई तमाशा मत करना। कुणाल ने हाँ में सिर हिलाया। वो जानता था उसके पिता एक समझदार इंसान है, पर कुछ लोगों की बातों में आने से वो हमेशा गलत डिसीजन ले लेते थे। थोड़ी देर बाद सभी लोग सामने मौजूद सुंदर जोड़ों को देख रहे थे, जो उनके लिए ज्यादा अनजाने नहीं थे। प्रभात जी हॉल के बीच में आए और उन्होंने माइक में कहा, जैसा कि मैंने कहा था, आप सबको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आप यहाँ मौजूद लोगों को पहचानते होंगे। श्लोक अग्निहोत्री और इनके साथ उनकी पत्नी आकांक्षा अग्निहोत्री है। ये विक्रम अग्निहोत्री और उनकी होने वाली मंगेतर वेदिका राठी है। साथ ही यहाँ शुभम त्रिवेदी और कीर्ति अग्निहोत्री भी मौजूद है, और आज इन तीनों जोड़ों की यहाँ सगाई होने वाली है और इनकी शादी भी हमारे महल से ही होगी। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि इन लोगों ने अपने जीवन की शुरुआत के लिए हमारे घर को चुना है। ये कहते हुए प्रभात जी अपने पीछे खड़े उन तीनों कपल्स को आगे लाए। वहां मौजूद हर एक इंसान इस बात को जानकर हैरान था, और सबसे ज्यादा वो इस बात को जानकर हैरान थे कि श्लोक अग्निहोत्री मैरिड था। उन्होंने कभी श्लोक का नाम किसी लड़की के साथ जुड़ते हुए भी नहीं सुना था। वहां मौजूद कई सारी लड़कियां जो श्लोक को पाने की चाहत से देख रही थी, अचानक उन सबका चेहरा मुरझा गया था और उनकी नजर श्लोक के साथ खड़ी उस खूबसूरत लड़की पर चली गई थी, जो सच में श्लोक के साथ एक परफेक्ट पार्टनर की तरह दिख रही थी। पार्टी का माहौल इस समय हैरानी से भरा हुआ था और हर कोई उन सुंदर जोड़ों को देख रहा था, जिनकी आज वहां सगाई होने वाली थी। वर्मा जी अपने हाथ में पकड़े ग्लास को हिलाते हुए प्रभात जी की तरफ आए और उन्होंने कहा, चलिए आखिर हमें पता चल ही गया कि ये सगाई आपके परिवार में नहीं, बल्कि आपके किसी दोस्त के परिवार में हो रही है। वैसे क्या आपने अपने महल को अब होटल की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, बताइए प्रभात जी? ये कहते हुए वर्मा जी अजीब सी मुस्कुराहट के साथ प्रभात जी को देख रहे थे। जयपुर में काफी सारे लोग जानते थे कि इस समय प्रभात जी के महल और उनके बिजनेस की हालत कितनी खराब है, और अपनी पत्नी की मौत के बाद से तो वो और ज्यादा टूट गए थे। प्रभात जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो वर्मा जी को क्या जवाब दे। कई सारी नजरें उन्हें मजाकिया तरीके से देख रही थी, जिससे उन्हें गुस्सा आ रहा था। पहले जो लोग उनके सामने तेज आवाज में बोलने की हिम्मत नहीं करते थे, आज उनका मजाक उड़ा रहे थे, पर फिर भी प्रभात जी इस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। ये सोचते हुए वो निराश हो गए। तभी दो लोग उनके सामने आकर खड़े हुए और घूर कर वर्मा जी को देखने लगे। उन दोनों की आंखों के खतरनाक लुक को देखकर वर्मा जी दो कदम पीछे हट गए। श्लोक ने इस समय क्रीम कलर का थ्री पीस सूट पहना था,
उसके कॉलर के साइड में एक पिंक डायमंड ब्रोच लगा था। वो घूर कर वर्मा जी को देख रहा था। वहीं श्लोक के साथ कुणाल भी उन्हें ही घूर रहा था। श्लोक ने कहा, आपका कहने का मतलब क्या है? क्या आप कहना चाहते हैं कि हमारे पास घर नहीं है और इसीलिए हम यहाँ अपनी एंगेजमेंट सेरेमनी करने आए हैं? मिस्टर वर्मा, मुझे बताइए कि आप मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो मेरे चेहरे पर मेरी बेइज्जती कीजिए, क्योंकि पीठ पीछे बोलने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। कुणाल ने भी कहा, बताइए मिस्टर वर्मा, आपका ये कहने से क्या मतलब था कि मेरे पिता ने हमारे घर को एक होटल बना दिया है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अब हम लोग इतने गरीब हो गए हैं कि हमें अपना घर चलाने के लिए लोगों को किराए पर यहाँ रखना पड़ रहा है? वर्मा जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो उन दोनों को क्या जवाब दे। वर्मा जी उन दोनों की पावर से अच्छी तरह वाकिफ थे और खास करके श्लोक की। उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो श्लोक की आंखों में देख सके या उसके सवाल का जवाब दे सके। उन्होंने कहा, सॉरी, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है। ये कहकर वर्मा जी वहां से चले गए। उनके इस तरह भागने से सब लोग उनका मजाक उड़ाने लगे थे, लेकिन अब सबको ये भी पता चल चुका था कि वो प्रभात जी का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं, क्योंकि उनके पास इस समय एक बहुत पावरफुल सपोर्ट था। थोड़ी देर बाद हॉल में श्लोक, आकांक्षा, शुभम, तीनों का परिवार भी आ चुका था। काजल जी ने आसपास देखते हुए कहा, ये लड़की अभी तक नहीं आई? सार्थक, जो थोड़ी दूर खड़ा था, उसने कहा, क्या आरती अभी तक नहीं आई है? काजल जी ने परेशान होकर कहा, देखो ना सार्थक, आरती कब से बाहर गई है लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आई है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। नया शहर है, पता नहीं वो कहाँ चली गई होगी। ये सुनकर सार्थक भी परेशान हो गया था। उसने अपने फोन से आरती का नंबर डायल किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। सार्थक ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं देख कर आता हूँ। ये कहकर सार्थक मुड़ा और वहां से चला गया। कीर्ति सार्थक को जाते हुए देख रही थी। उसने शुभम का हाथ पकड़ते हुए कहा, शुभम, तुम्हें क्या लगता है मेरे भाई और तुम्हारी बहन की जोड़ी कैसी रहेगी? शुभम, जो कीर्ति की खूबसूरती में कहीं खो सा गया था, कीर्ति के अचानक किए सवाल से हैरान हो गया। उसने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? कीर्ति ने अपने सिर को ऊपर उठाकर कहा, मेरा भाई तुम्हारी बहन को पसंद करता है और तुम्हारी बहन भी उसे पसंद करती है। आई थिंक हमें आज उनकी भी सगाई भी करवा देनी चाहिए। ये सुनकर शुभम हैरान हो चुका था। उसने उस रास्ते की तरफ देखा जहां से सार्थक जा रहा था और कहा, क्या वो आरती के बारे में सब कुछ जानना चाहता है? कीर्ति को लगा कि शुभम आरती की डायरेक्टर वाली पहचान के बारे में बात कर रहा है। उसने कहा, हाँ वो नहीं जानता, लेकिन उसे इस बात से ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा, आखिर सबके अपने अपने सीक्रेट्स और प्रॉब्लम होती है। शुभम ने एक राहत की सांस ली और सोचा, चलो अच्छा हुआ, कीर्ति को तो पता है कि आरती कभी माँ नहीं बन सकती, और वो शुभम को भी ये बात समझा सकती है। शुभम मेरी बहन को पसंद करता है और आरती भी उससे प्यार करती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे भी आरती की जिंदगी बहुत अधूरी है। ये सोचते हुए शुभम ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो तुम्हारे मेरी लाइफ में आने से मेरी पूरी फैमिली में खुशी आ गई है। सुकृति, जो उनके साथ खड़ी थी, उसने कहा, पापा, मम्मा, आप दोनों थोड़ा तेज बात कर सकते हैं? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या आप दोनों कोई सीक्रेट टॉक कर रहे हैं जो आप मुझे नहीं बता सकते? कीर्ति ने झुक कर सुकृति को अपनी गोद में उठाया। इस समय कीर्ति ने एक लॉन्ग व्हाइट स्कर्ट और पिंक शर्ट पहनी थी, जिसके साथ उसने एक पर्ल नेकलेस पहना हुआ था। कीर्ति के सारे बाल एक सुंदर जूड़े में बंधे थे, जिसमें पिंक कलर का रोज फ्लावर लगा था, और सेम ड्रेस सुकृति ने भी पहनी थी। शुभम ने उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों बहुत प्यारी दिख रही हो। सुकृति ने अपना सिर उठाया और अपने गालों पर हाथ रखते हुए कहा, मम्मा कहती है मैं और मम्मा वर्ल्ड में सबसे ब्यूटीफुल है, तो पापा आप हमें ये फिर से क्यों बता रहे हैं? कीर्ति ने सारे दांत निकालकर हंसते हुए कहा, सच ही तो है, मैं और मेरी बेटी सबसे ज्यादा सुंदर हैं।
शिव, अनामिका और ट्विंकल भी वहां आ चुके थे। शिव बार बार मुड़कर अनामिका को देख रहा था। अनामिका ने इस समय गहरे गुलाबी रंग की नेट की साड़ी पहनी हुई थी, जिसका ब्लाउज बैकलेस था। उसके सारे बाल कर्ल किए हुए थे, जो उसके कंधे के एक तरफ गिरे थे। इस समय अनामिका बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही थी और उसे देखते हुए शिव का दिल बार बार धड़क रहा था, पर शिव ने अपने फेस पर वो एक्सप्रेशंस नहीं आने दिए थे। ट्विंकल ने जंप करते हुए कहा, पापा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? शिव ने ट्विंकल को अपनी गोद में उठाया और कहा, प्रिंसेस क्या तुम भूल गई हो, आज नायरा की एंगेजमेंट है। ट्विंकल ने अपने सिर पर हाथ मारा और कहा, मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, मैं बार बार सब कुछ भूल जाती हूँ। मुझे लगता है मुझे बादाम खाना शुरू करना चाहिए, मम्मी कहती है कि बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। इतना कहकर ट्विंकल उदास हो गई और उसने अपना सिर झुकाते हुए कहा, अरे हाँ, अब तो मैं नायरा आंटी को मम्मी कह ही नहीं सकती ना, क्योंकि अब वो मेरी मम्मी नहीं है। अनामिका ने ट्विंकल की तरफ देखा और उससे ट्विंकल की उदासी नहीं देखी गई। अनामिका ने शिव से ट्विंकल को लिया और उसके गालों को खींचते हुए कहा, किसने कहा कि आपके पास मम्मी नहीं है, क्या मैं आपके पास नहीं हूँ? अनामिका की बात को सुनकर ट्विंकल की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, सच्ची आप मेरे साथ हैं? आप मेरी माँ बनकर मेरे साथ रहेंगी? कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रही है ना? ट्विंकल के इस तरह के मासूम सवालों को सुनकर अनामिका को दुख रहा था। भले ही वो ट्विंकल की माँ बन जाएगी, लेकिन जब भी वो शिव को देखती थी उसके ख्याल काफी बदल जाते थे। वो नहीं जानती थी कि उसके दिल में शिव के लिए कैसी फीलिंग्स हैं। शिव वो इंसान था जिसने उसकी मुसीबत में मदद की थी, उससे ज्यादा अनामिका शिव को कुछ नहीं मानती थी, और यही एक कारण था कि वो ट्विंकल के साथ कभी बुरा बिहेव नहीं करती थी और उसकी सारी बातों को मान लेती थी। अनामिका को ऐसा लगता था जैसे शायद ट्विंकल को खुश रखकर वो शिव के एहसान को चुका देगी, लेकिन अनामिका इस बात से अनजान थी कि ट्विंकल ही वो डोर थी जो उसे और शिव को एक रिश्ते में बांधने वाली थी। क्या करेंगे प्रभात जी कुणाल और विद्या के रिश्ते के बारे में जानने के बाद? कहां गई आरती और कब पता चलेगी सार्थक को आरती की सच्चाई? क्या अनामिका शिव को कभी अपना पाएगी? ट्विंकल ने अनामिका के गालों पर किस करते हुए कहा, मेरी प्यारी मम्मी, मुझे पता है आप हमेशा मेरे साथ रहोगी। ये कहते हुए ट्विंकल अनामिका की गोद से उतरी और वहां से दौड़कर जाने लगी। फिर अचानक वो मुड़ी और चिल्लाते हुए कहा, मैं अक्षय के पास जा रही हूँ। ये कहकर ट्विंकल वहां से चली गई। अब उस जगह पर शिव और अनामिका ही खड़े थे। अनामिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसने अपने बालों को अपने कान के पीछे किया, जिससे उसके कान के पास मौजूद दिल दिखने लगा। ये देख शिव का उसे किस करने का मन कर रहा था, लेकिन उसने अपने इमोशंस पर काबू रखा और एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ अनामिका को देखकर कहा, तो क्या तुम मेरे प्रपोजल के लिए तैयार हो? अनामिका ने शिव को देखा, जो इस समय एक ब्लैक कलर का 3-पीस सूट पहना हुआ था, जिसके अंदर उसने एक लाइट पिंक कलर की शर्ट पहनी थी। शिव के बाल जेल से सेट थे और वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। अनामिका कुछ पल तक शिव को देखती रह गई। उसे इस तरह खोया देख शिव ने उसके सामने अपना हाथ हिलाया, तब जाकर वो होश में वापस आई। फिर अनामिका ने नजर झुकाते हुए कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? शिव ने एक आह भरी और अनामिका की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। शिव के हाथ जैसे ही अनामिका की स्किन को टच हुए, अनामिका के रोंगटे खड़े हो गए। अनामिका और शिव दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी शिव ने कहा, तुम कब तक इस बात से इनकार करती रहोगी? देखो, अगर तुमने ज्यादा जिद की तो मैं भी तुमसे वादा करता हूँ, मैं यहाँ से तुम्हें अपनी वाइफ बनाकर ही ले जाऊंगा। जिस मंडप में आकांक्षा शादी करने वाली है, मैं उसी के पास तुम्हारे लिए मंडप बनवा दूंगा, जहां तुम मेरी दुल्हन बनोगी। ये सुन अनामिका ना जाने क्या सोच शिव की बात से डर गई
और उसे धक्का देकर वहां से भाग गई। थोड़ी देर बाद सगाई शुरू हो गई थी। सारे कपल अपनी अपनी सीट पर बैठे थे और नीचे सारे गेस्ट राउंड शेप टेबल के साइड में रखी सीट पर बैठे हुए थे। सब अपने अपने ग्रुप्स में डिवाइडेड थे और आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन बार बार सबकी नजरें स्टेज पर बैठे अमेजिंग लोगों पर जा रही थी, जिनसे मिलना और बात करना बहुत मुश्किल था। कई सारे मिलिट्री ऑफिसर्स साइड में एक टेबल के पास बैठे हुए थे। वो विक्की के बारे में बात कर रहे थे और उनमें से जो विक्की के बारे में जानते थे वो उन्हें बता रहे थे कि विक्की कितना अमेजिंग इंसान है और उसने इतनी कम उम्र से ही मिलिट्री और पुलिस की मदद की। इतना ही नहीं, वो ये भी कह रहे थे कि उसकी हैकिंग स्किल्स कितनी कमाल की है और वो कितने सारे डेंजरस मिशंस में उन लोगों के साथ जुड़ चुका है। इस बात को जानते हुए उन लोगों का नजरिया विक्की की तरफ बदलने लगा था और वो उसे एडमायर करने लगे थे। स्टेज पर आकांक्षा भी आसपास देख रही थी। तभी श्लोक ने आकांक्षा की तरफ देखकर कहा, तुम किसे ढूंढ रही हो? आकांक्षा ने कहा, अक्षय को। वो कहीं दिख नहीं रहा है। श्लोक ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो वो वहां है। आकांक्षा ने उस दिशा में देखा जहां अक्षय, सुकृति और ट्विंकल बैठे हुए थे। अक्षय को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उन दोनों को कोई बात समझा रहा था। आकांक्षा ने आहा भरते हुए कहा, आपको नहीं लगता अक्षय एक बड़े भाई जैसा बिहेव करने लगा है? ये सुनकर श्लोक ने कुछ नहीं कहा। आकांक्षा ने आगे कहा, ठीक है, अक्षय तो यहाँ है, पर प्रशांत और आरुषि कहाँ है? श्लोक ने कहा, तुम्हें ये क्यों जानना है कि प्रशांत कहाँ है? आकांक्षा ने एक मजाकिया मुस्कान के साथ कहा, क्या हुआ मिस्टर अग्निहोत्री, क्या आपको प्रशांत से जलन हो रही है? वैसे मैं देखना चाहती हूँ कि प्रशांत आज कितना हैंडसम दिख रहा है। मैंने उसके लिए जो टाई ली थी उसने कहा था कि वो उसे आज पहनने वाला है। मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है। ये सुन श्लोक ने आकांक्षा के हाथ को पकड़ा और एक खतरनाक मुस्कुराहट के साथ कहा, वाइफी, तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ज्यादा डेयरिंग हो गई हो? मुझे लगता है मुझे तुम्हें एक अच्छा सा लेसन सिखाना होगा। लेसन वाली बात सुनते ही आकांक्षा का चेहरा सफेद पड़ गया और उसने बिना कुछ कहे अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। तभी स्टेज पर कीर्ति ने उस तरफ देखा जहां बच्चे बैठे थे और कहा, चलो अच्छा है सुकृति के साथ अक्षय ट्विंकल मौजूद है, वरना तो वो बोर हो जाती। शुभम ने कहा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन एंगेजमेंट कब होगी? कीर्ति ने मुस्कुराते हुए शुभम को देखकर कहा, लगता है डॉक्टर शुभम से वेट नहीं हो रहा है। शुभम ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम ऐसा कह सकती हो, मैं पिछले 6 साल से वेट कर रहा हूँ, सॉरी मैं पिछले 10 साल से वेट कर रहा हूँ। तुम क्या चाहती हो मैं और कितना वेट करूँ? कीर्ति ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने सिर को झुका लिया। थोड़ी देर बाद वसुंधरा जी स्टेज पर आई और उन्होंने आकांक्षा की तरफ देखकर कहा, बेटा तुमने कहा था कि हम सगाई थोड़ी देर में शुरू करें, लेकिन अब तक तुमने बताया नहीं कि कब। सब लोग इसीलिए रुके हुए थे क्योंकि आकांक्षा किसी इम्पोर्टेंट गेस्ट का इंतजार कर रही थी। उसने आखिरी बार दरवाजे की तरफ देखा और फिर कहा, ठीक है माँ, हम शुरू कर सकते हैं। ये सुनते ही वसुंधरा जी ने अपने हाथ में माइक लिया और कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज यहाँ मेरे दोनों बेटों और बेटियों की सगाई है। आप इस खुशी में शामिल हुए, इसीलिए मैं आप सबको शुक्रिया कहना चाहती हूँ। तो अब हम इस सगाई को शुरू करते हैं। उन्होंने जैसे ही ये कहा, मैनिका अपने हाथ में अंगूठियों की थाली लेकर आ गई। उसने वो थाली स्टेज के बीच में रखी और फिर पंडित ने सबको तिलक लगाया और पूजा की। उसके बाद उन्होंने उन्हें एक दूसरे को अंगूठी पहनाने को कहा। सबसे पहले शुभम और कीर्ति ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और उसके बाद वेदिका और विक्की ने। लेकिन जब आकांक्षा श्लोक अंगूठी पहनाने वाली थी तभी किसी की तेज आवाज हॉल में सुनाई थी। उस आवाज को सुनते ही एक पल के लिए आकांक्षा की आंखें झपकी और उसने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा तो वहां एक हैंडसम इंसान खड़ा था जिसने अपनी आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था। उस आदमी ने 3-पीस ब्लैक सूट पहना था और उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने दोबारा चिल्लाकर कहा,
मेरी बहन से दूर हटो। उस आवाज को सुनकर आकांक्षा होश में आई और उसने धीरे से कहा, लक्ष्य भाई। लक्ष्य तेज कदमों से आगे बढ़ा और जल्दी से स्टेज पर चढ़ गया। उसने आकांक्षा को श्लोक से दूर खींचा और श्लोक को घूरते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की जिंदगी में दोबारा आने की कोशिश करने की, और तूने मुझे ये भी नहीं बताया कि वो जिंदा है। तुझे क्या लगा कि तू मुझसे ये सब कब तक छुपा पाएगा? अगर मैं आज यहाँ नहीं आया होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी बहन अभी भी जिंदा है। ये कहते हुए लक्ष्य ने आकांक्षा की तरफ देखा और उसकी आंखें कुछ पल के लिए नम हो गई। फिर लक्ष्य ने जोर से आकांक्षा को गले लगाते हुए कहा, मेरी प्रिंसेस तुम कैसी हो? आकांक्षा को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या कहे। वो लक्ष्य से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि लक्ष्य श्लोक से इतना नाराज क्यों है। आकांक्षा ने श्लोक की तरफ देखा जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें भी थोड़ी सी नम थी। आकांक्षा ने लक्ष्य की पीठ को सहलाते हुए कहा, भाई मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको क्या हुआ? आप डॉक्टर साहब से ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या उन्होंने कुछ गलत कर दिया है? लक्ष्य जल्दी से आकांक्षा से अलग हुआ और उसने आकांक्षा को अपने पीछे खड़ा करते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है उसे डॉक्टर साहब कहने की। आखिर उसने तुम्हारे लिए ऐसा किया ही क्या है? उसके कारण तुम हमारी जिंदगी से चली गई। प्रिंसेस तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती थी? भले ही तुम श्लोक से नाराज थी, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारा भाई था ना। प्रिंसेस तुम अपनी जिंदगी को इस तरह कैसे खत्म कर सकती थी? क्या तुम्हें मेरी जरा सी भी चिंता नहीं हुई? ये कहते हुए लक्ष्य रो रहा था। लक्ष्य के आंसू पहुंचते हुए आकांक्षा को बहुत गिल्टी फील हो रहा था, लेकिन अब वो अतीत को बदल नहीं सकती थी। उसने धीरे से कहा, भाई मैं जानती हूँ मैंने गलत किया था, लेकिन अब मैं लौट कर आ चुकी हूँ। मैंने आपको बहुत याद किया, आप कहाँ चले गए थे? लक्ष्य ने घूर कर श्लोक को देखा और कहा, मैं लंदन गया था और कल ही वापस आया हूँ। लक्ष्य ने ये कहा ही था कि उसे अपने पीछे से प्रिया की आवाज सुनाई थी। प्रिया ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, क्या तुम अपनी बहन से इतना ज्यादा लवी रवी होना बंद कर सकते हो? माना कि तुम आकांक्षा से बहुत समय बाद मिले हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये भूल जाओ कि आज उसकी एंगेजमेंट हो रही है। प्रिया की बात सुनकर लक्ष्य ने ध्यान दिया और कहा, नहीं यहाँ कोई सगाई नहीं होगी। मेरी बहन इस श्लोक से सगाई नहीं करेगी। एक बार वो गलती कर चुकी है, लेकिन मैं दोबारा उसे वही गलती नहीं करने दूंगा। आकांक्षा तुम चलो मेरे साथ। ये कहते हुए लक्ष्य ने आकांक्षा का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा, लेकिन तभी एक छोटा सा बच्चा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो बच्चा अक्षय था, जिसने अपने हाथ फोल्ड कर लक्ष्य को घूरते हुए कहा, पहली बात मेरी मम्मी कहीं नहीं जाएगी, और दूसरी बात यहाँ उनकी सगाई हो रही है। आप कौन है जो उनको इस तरह यहाँ से ले जा रही है? और आपके ये कहने का क्या मतलब है कि मेरे पापा ने उनके साथ गलत किया? मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, एकदम मेरी मम्मी की तरह। मेरे रहते हुए मेरे मम्मी पापा को कोई अलग नहीं कर सकता। बस। अक्षय की आवाज कठोर और गुस्से से भरी थी। किसी बच्चे के मुंह से ये बात सुनना अपने आप में ही एक आश्चर्य की बात थी, लेकिन उसे लक्ष्य का आकांक्षा पर इस तरह हक जताना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। वो तो तब भी गुस्सा हो जाता था जब श्लोक आकांक्षा के साथ ज्यादा क्लोज होता था, और इस बार तो जो इंसान वहां खड़ा था उसे अक्षय जानता भी नहीं था। लक्ष्य ने अपना सिर झुकाकर उस छोटे और क्यूट से बच्चे को देखा, जिसकी आंखें इस समय गुस्से से लाल थी। लक्ष्य उसके शब्दों को सुनकर हैरान हो चुका था। अक्षय ने मुड़कर आकांक्षा की तरफ देखा और कहा, मम्मी क्या आप इन्हें जानती है? और अगर आप इन्हें नहीं जानती है तो अभी के अभी उनका हाथ छोड़ दीजिए। ये कहते हुए अक्षय आगे बढ़ा और आकांक्षा के हाथ को लक्ष्य के हाथ से अलग करने लगा। ये देख लक्ष्य इतना ज्यादा हैरान था कि उसने बिना सोचे समझे आकांक्षा के हाथ को छोड़ दिया। आकांक्षा ने धीरे से कहा, ये तुम्हारे मामा हैं। अक्षय ने अपनी कठोर नजरों से लक्ष्य को देखा और कहा, ये किस तरह के मामा है जो आपको यूं हमसे दूर लेकर जा रही है? भले ही अक्षय इस समय 5 साल का था, लेकिन उसका माइंड एक मैच्योर लड़के की तरह था, जिसे सारी बातें पता थी और जो सब कुछ जानता था।
प्रिया वो पहली इंसान थी जो होश में आई। उसने अपने घुटनों के बल बैठकर अक्षय का चेहरा अपने हाथ में लिया और कहा, क्या ये? इतना कहकर प्रिया चुप हो गई। आकांक्षा ने प्रिया की बात को पूरा करते हुए कहा, हाँ ये मेरा बेटा है। लक्ष्य अपने होश में आ चुका था और वो अक्षय को देख रहा था जो बिल्कुल आकांक्षा की तरह था। खास करके उसकी आंखें मासूम और प्यारी थी, लेकिन उसमें जो गुस्सा और कठोरता भी थी वो उसके पिता की तरह थी। लक्ष्य ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, तुम? इसके आगे वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। आकांक्षा को थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था। उसने काफी सारे लोगों को दुखी किया था और उसके कारण काफी सारे लोग अपने रिश्तों को तोड़ चुके थे। आकांक्षा लक्ष्य के पास गई और उसने लक्ष्य के हाथ को पकड़ते हुए कहा, भाई मेरी बात सुनिए, मैं मानती हूँ उस समय मैं गलत थी और मैंने एक गलत फैसला लिया था, लेकिन इसमें डॉक्टर साहब की कोई भी गलती नहीं थी। आकांक्षा की बात सुनकर लक्ष्य ने श्लोक की तरफ देखा। जब आकांक्षा ने खाई से कूदकर अपनी जान दे दी थी, तब लक्ष्य ने इस बात का सारा इल्जाम श्लोक पर लगा दिया था और उसे छोड़कर देश से बाहर चला गया था। इन 6 सालों में उसने ना ही श्लोक से बात की थी, ना ही उसके बारे में आ रही किसी न्यूज को देखा या सुना था। उसने ऐसा प्रिटेंड किया था जैसे श्लोक नाम का इंसान इस दुनिया में है ही नहीं। श्लोक उसका सबसे अच्छा और इकलौता दोस्त था, लेकिन आकांक्षा उसकी बहन थी जो उसे अपनी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती लगने लगी थी। लेकिन उसके सबसे अच्छे दोस्त ने ही उसकी जिंदगी को उससे छीन लिया था और इस बात का गम लक्ष्य को अपने दिल की गहराई तक महसूस हो रहा था। क्या आकांक्षा का बेटा बदल पाएगा लक्ष्य की इस फीलिंग को, या ले जाएगा लक्ष्य अपनी बहन को वापस?